अगर आपके बच्चे भी लौकी वगैरह नहीं खाते तो बस इस तरह से आप उनको बना कर दीजिए, झटपट से सारा फिनिश करके आएंगे और लंच बॉक्स तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है, इसकी हम हाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल भरकर बेसन, कोई भी नॉर्मल बेसन ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाना है हमको, लेकिन हम पहले बेसन को घोल देंगे। बेसन हमारा बहुत अच्छे से घोल गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ नहीं हैं। और पहले से बहुत ज़्यादा पतला ना कर दें। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो पहले बेसन को अच्छे से फेंट लें और इसके बाद चीज़ें डालने से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से फिर बनता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चम्मच के लगभग अजवाइन। तो अजवाइन डालने से बेसन की चीज़ और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, तो हमने डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे एक चौथाई से भी कम हल्दी पाउडर, साथ में इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी मसाले मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं करूँगी। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अगर अभी थोड़ी सी थिक लग रही हो तो पानी डालकर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमको, तो बैटर को अब फूलने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं हमने यहाँ पर ये लौकी को आधा करके इसको छील दिया है, तो हमें यहाँ पर इसके राउंड राउंड शेप में कट कर लेना है। आपको चाकू से ही इसे राउंड करना है, अगर आपने इसमें चिप्स वाला स्लाइसर लिया ना तो फिर बहुत थिन हो जाते हैं, उतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इस तरह से चाकू से आप कर लें हाथों से, बहुत तेज़ली है, इस तरह से राउंड राउंड शेप में हमारे लौकी के ये राउंड तैयार हो जाएंगे। अगर आपके घर में पकौड़े लवर हैं तो आप एक बार उनको इस तरह से लौकी के भी पकौड़े ज़रूर बना कर दीजिएगा, इतने यमी लगते हैं ना कि आपसे ये हर बार बनवाएंगे। और अगर आपको लौकी ना पसंद हो तो आप अपने बच्चों को आलू को भी इसी तरह से करके दे सकते हैं, ये एक तरीका है बनाने के लिए। तो लौकी को मैंने इस तरह से राउंड में कर लिया है, बैटर भी बहुत अच्छे से हमारा फूल गया है। तो मैं यहाँ पर कोई इनो सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें अब हम डाल देंगे लास्ट में चॉप किया हुआ धनिया, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स या फिर मिर्च, ये आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जो चिली फ्लेक्स होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, जो हम मार्केट से लाते हैं। अगर आपने घर में कूट कर तैयार करी है तो फिर बहुत कम डालिएगा, क्योंकि वो थोड़ी तीखी होती है। ये देखिए, इससे थोड़ा देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा, बाकी ये तीखा वगैरह नहीं होता ज़्यादा। और बड़ों बच्चों के लिए रख रहे हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत ग्रीन चिली के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे लौकी को डिप करना है और गर्मा गर्म तेल में डाल देना है। अगर आपके यहाँ थोड़ा बहुत सोडा वगैरह डलता हो तो आप डाल सकते हैं, वरना अगर बेसन अच्छे से फेटा होता है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब तेल हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्मा गर्म तेल में ही हमें इसे डालना है। तो इतना गर्म ना हो कि ये जल जाए, पर इतना होना चाहिए कि डालते ही ये अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं पकौड़े बहुत अच्छे से हमारे डल रहे हैं और कोटिंग बहुत ही बढ़िया से है, बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा है कि पकौड़े अलग भग रहे हैं, लौकी अलग भग रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर आप इसमें ऑयल नहीं पसंद करते, कई लोग आजकल कमेंट में लिख देते हैं आप ऑयल वाला बहुत बनाते हो, तो अगर आप नहीं पसंद करते ऑयल वगैरह तो आप इसे तवे में भी बना सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट है, मज़ेदार वाला टेस्ट है, वो आपको फ्राई करके ही मिलेगा। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते हुए होते हैं, तो आप उनको तेल घी बटर ये सारी चीज़ें अगर आप उनको देते हैं ना तो उससे उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो खेल खेल के सारी चीज़ें पचा देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑयल वगैरह, तब आप इसे तवे में भी बना सकते हैं, जैसे बंगाली वाले भाजा बनते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे लौकी के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रंची, बहुत ही यमी। तो इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं, आप बहुत सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं, टोमेटो सॉस में, टमाटर की चटनी में, आप इसको खाकर देखिए, बहुत यमी लगते हैं। और ये देखिए, ऊपर से जो इसकी स्किन है बहुत ही क्रिस्पी है, ना हमने सूजी डाली और ना ही कोई और चीज़, सिर्फ बेसन से हमने बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए, बनकर तैयार है हमारा आज का लंच बॉक्स। आप इसे चाहे हस्बैंड के लंच बॉक्स में रखें, या बच्चों के, या खुद के लिए बनाएं, या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी लंच बॉक्स रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।